इस बीच जुबलेंट फूडवर्क्स को देख लेते हैं, रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। 69.5 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 112 करोड़ के आसपास आया है और आय भी 893 करोड़ से बढ़कर 1255 करोड़ रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन स्टॉक अर्निंग्स पर रिएक्ट करते हुए अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है 4.5% की बढ़त के साथ। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के SSSG ग्रोथ के नंबर्स पर नजर रहेगी, लेकिन सो फार अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स में। हमारे साथ कविता जैन मौजूद भी है, उनसे कोई कमेंट भी ले लेते हैं। कविता, एक बार देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के चार्ट को। कल रिजल्ट से पहले टूटा था ये स्टॉक, आज रिजल्ट्स आने के बाद, रिजल्ट्स आने से पहले ही इनफैक्ट चलना शुरू हो गया था। क्या व्यू है इन लेवल से? हाय, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सो एज लाइक 583 के लेवल्स पर फिलहाल है और एक आप देखिए पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज जोन में था। सपोर्ट से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 591 का है। सो आफ्टर रिजल्ट से एक अच्छा बाउंस हमने देखा है। इनकेस अगर 591 के लेवल्स को ये क्रॉस कर पाता है तो फर्दर तेजी इस काउंटर में बनते हुए दिख सकती है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे लगता है 620 के लेवल्स की तरफ इसको लेकर जा सकती है। बट अगर जिन्होंने पोजिशन रिजल्ट रिएक्शन के चलते अगर लिया है तो 591 प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस जोन होगा, वहां पर अपनी पोजिशंस को एक बार देखना चाहिए। 579 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।